नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल जगत जानकारी में। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आप सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण जानकारी निकल के सामने आई है, उसके बारे में पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। आपको पूरा अपडेट जो है हम बताने वाले हैं, साथ साथ आपको इन्फॉर्म कर दें कि हरियाणा के सभी भर्तियों पर जो है वो इन नियम के हिसाब से आप लोगों का बदलाव किया जाने वाला है। तो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाले हैं किन चीजों में बदलाव होंगे और क्या क्या है। जैसे आप लोगों को बता दें कि सीईटी के बाद वाले एग्जाम्स के लिए नहीं, सीईटी के पहले वाले एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है कि 2022 से पहले जो एग्जाम्स आपके कंप्लीट हुए उनके लिए ये लागू नहीं होगा, सबके लिए लागू होगा। जिन्होंने एग्जाम्स दे दिए हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं और आप लोगों के पास भर्ती होने वाली है, उन सभी भर्तियों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है जानकारी निकल के सामने आई है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहेगा, वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर से जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप ऑल पे क्लिक करेंगे जितने लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव अपडेट जितने भी होंगे वो आप तक पहुंचते रहेंगे। और आप साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे जाके फॉलो कर सकते हैं, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। टेलीग्राम पे जाके भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बताते हैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन। उससे पहले क्विज टाइम क्वेश्चन सीरीज में आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है कि हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की राशि बैंक खातों में जमा करवाने के लिए योजना को क्या नाम दिया गया है। तो जो बैंक खातों में योजनाओं के लिए राशि धनराशि जमा की जाती है जो कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए है, उसका क्या नाम है। क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम गिवन ऑफ टू द स्कीम फॉर डिपॉजिटिंग द अमाउंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स इन द बैंक अकाउंट इन हरियाणा। तो इसका आंसर आपको पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, नहीं पता है तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, वीडियो को लास्ट में इसका आंसर देखने को भी आप लोगों को मिल जाने वाला है। चलो आपको अपडेट बताते हैं और पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं कि किन किन भर्तियों में जो है वो अब बदलाव किया, नियमों में बदलाव किया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये दैनिक भास्कर से लिया गया अखबारों से कटा हुआ ये अखबार है, ये पॉइंट है। यहाँ पे बताया गया है कि प्रदेश में नौकरी की हर परीक्षाओं में अब दो बार और ज्वाइनिंग के समय बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूरी हो गया है। अब मतलब जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले भी बायोमेट्रिक होता था, अगर कोई पुलिस से रिलेटेड है तो पीएमटी में ही आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था। मतलब आप लोग पीएमटी और डीबी करने जाते थे उसमें आप लोगों का कम से कम तीन बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था। अब आप लोग के जब ज्वाइनिंग होगी उसमें भी दो बार जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। तो कुल पांच से छह बार जो है आप लोग के लगभग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए जाएंगे। और ये कदम, ये पॉइंट इसलिए उठाया गया है, ये पॉइंट बता दिया गया है क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस वजह से उठाया गया है कि कांस्टेबल भर्ती में जो है वो गड़बड़ हुआ है। भर्ती में लगातार सामने आ रही विवादों को लेकर एचएसएससी करेगा नियमों में बदलाव। और ये बताया गया है कि यहाँ पर इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट देख सकते हैं कि एक्स सर्विस मैन की जगह किशोर ने लगाई दौड़, पड़ोसन का फिजिकल किशोरी क्लियर कराई। इसके हिसाब से बहुत सारे फर्जीवाड़े हुए हैं कि मतलब एक एक्स सर्विस मैन थे उनके जगह पे किसी 17 साल के लड़के ने दौड़ लगा दी, और किसी दुर्गा शक्ति वाले में किसी पड़ोसन के जो है वो बगल वाले किसी लड़की ने जो है जाके वहां पे उनके जगह पे दौड़ लगा दी। कांस्टेबल भर्ती में दुर्गा वाहिनी में हो रही भर्ती की जांच के सामने आ रहे हैं फर्जीवाड़े। तो बहुत सारे मामले आ रहे हैं, इस वजह से हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ये जानकारी आप ली है कि अब जितने भी भर्तियां होंगी जो कि ज्वाइनिंग जब आप लोग की होने लगेगी, चाहे वो किसी भी एग्जाम्स का हो, क्योंकि अभी सीईटी के बाद जितने एग्जाम्स होंगे उनके लिए तो लागू ही है, उससे पहले ही जैसे आप लोगों के स्टाफ नर्स एनएम उसके साथ से मेडिकल से रिलेटेड जितने भी भर्तियां हैं, जितने पुलिस रिलेटेड भर्तियां हैं, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट आ गया कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो है वो कम से कम दो बार ज्वाइनिंग से पहले कराई जाएगी। अच्छा आ जाते हैं उस क्वेश्चन पे जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, उसके बाद मैं आपको समाप्त करता हूँ वीडियो को। तो पहला ये क्वेश्चन था कि हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की राशि बैंक खातों में किस नाम से कराई जाती है। तो इसका नाम था थारी पेंशन थारे पास, ठीक है, ये इस नाम से जो है वो इस नाम से ये नाम बनाया गया था, थारी पेंशन थारे पास। तो अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर से जरूर आपको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। उसके साथ साथ हम इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और टेलीग्राम पे जाकर भी हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो।